नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को जब भी टीम इंडिया की कप्तानी का मौका मिला है वो फुल मार्क्स के साथ पास हुए। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने उन्हीं की कप्तानी में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हार्दिक पांड्या कब फुल टाइम कप्तान बनेंगे। यही सवाल हार्दिक से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद भी पूछा गया, क्योंकि आखिरी T20 मैच में भी टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ही थे और टीम ने वेस्टइंडीज को 88 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इसलिए पोस्ट मैच सेरेमनी में जब उनके फ्यूचर कप्तानी को लेकर सवाल हुआ, क्या वो फ्यूचर में टीम इंडिया के परमानेंट कप्तान के तौर पर खुद को देखते हैं, इस सवाल पर हार्दिक झिझके नहीं बल्कि खुलकर अपनी बात रखी। हार्दिक ने कहा, क्यों नहीं, अगर मुझे कप्तानी का मौका मिलेगा तो मैं इसे खुशी से लेना चाहूंगा। फिलहाल हमें एशिया कप पर ध्यान देना, हम उसी पर फोकस करना चाहते हैं। बतौर टीम हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लगातार सुधार भी करें और खेल का आनंद भी लेते रहें। आखिरी T20 मैच में रोहित शर्मा समेत कई सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया था, ऐसे में टीम ने पांड्या की कप्तानी में खेला और बड़े अंतर से मैच जीत लिया। दरअसल पिछले कुछ महीनों में हार्दिक पांड्या ने हर क्षेत्र में काम किया, फिर चाहे वो फिटनेस हो, बैटिंग हो या फिर बॉलिंग, वो पूरी तरह से अपने खेल पर फोकस करते दिखाई दिए। ऐसे में उन्हें अपनी कप्तानी का प्रभाव दिखाने का मौका भी मिलता गया और अब रोहित शर्मा के बाद फुल टाइम कप्तानी का सबसे बड़ा कोई दावेदार है तो वो हार्दिक पांड्या ही है।